अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक एड वी पी के। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह आप गूगल के ऊपर काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, वो भी कॉपी पेस्ट वाले काम से। ये दोस्तों जी हाँ, कॉपी पेस्ट वाले काम होगा। आपने सिंपली क्या करना है कि एक जगह से कॉपी करना है और दूसरी जगह पर पेस्ट करना है और इससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपने ये कॉपी पेस्ट वाला काम किस तरह से करना है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपने ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है ओपन कर लेनी है। यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर आपने blogger.com आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने ये फ़र्स्ट टाइम मैंने विज़िट नहीं किया, मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी इसके ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको अकाउंट चेंज करके दिखाता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम किसी अकाउंट के ऊपर विज़िट करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने अपनी जीमेल आईडी के थ्रू ही इसके ऊपर अपने अकाउंट को बनाना है। तो यहाँ पर देखें, मुझे नज़र आ रहा है कि चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अपने एक ब्लॉग को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर कोई भी नाम लिख लें। इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग के एड्रेस को लिखना है। याद रखें ये यूनिक एड्रेस है, ये सिर्फ एक बार ही बनेगा, तो आपने अच्छा सा यूनिक सा नाम यहाँ पर लिखना है। इसके अंदर आपने स्पेसिस को ऐड नहीं करना, कोई भी नाम आपने सोच के अच्छा सा लिख लेना है। मैंने फॉर द टाइम ऑनलाइन अर्न बाय दी लिखा है। अब इसको आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने डिस्प्ले नेम लिखना है, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। फिर आपने इसको फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये नोटिसज हैं, इसको यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप देखें यहाँ पर नो पोस्ट नज़र आ रहा है। तो बेसिकली काम ये है कि आपने यहाँ पर आर्टिकल को पेस्ट करना है। सारे के सारे कॉपी पेस्ट होंगे, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपको नहीं आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने आर्टिकल किस तरह से पोस्ट करने हैं और सिंपली आर्टिकल पोस्ट करके आप इसको अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो इंटरफेस है देखें, यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर स्टैट्स है जिनके जिसको एनालिटिक कहते हैं, कमेंट्स हैं और यहाँ पर अर्निंग का सेक्शन है। बेसिकली यही तरीका है एडसेंस के थ्रू अर्निंग करने का। जब आपकी पोस्ट हो जाएंगी तब आपने अपने एडसेंस के अकाउंट को यहाँ पर क्लिक करके बनाना है। तो अभी आपने इसको छेड़ना नहीं है जब तक आप अपने अकाउंट में यहाँ पर कम से कम 100 पोस्ट ना कर लें, फिर आपने इसको यहाँ पर छेड़ना है। अब चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने जो आर्टिकल लिखने हैं वो किस तरह से लिखने हैं। तो यहाँ पर आपने न्यू पोस्ट का आपको देखें बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास जो न्यू आर्टिकल लिखने का वाला फॉर्मेट है वो आ जाएगा। अब सिंपली आपने यूट्यूब ओपन करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने जो ब्लॉग बनाया है वो मैंने बनाया है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, तो मैंने नाम उसी हिसाब से लिखा है। अब आपने देखना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, किस किस्म के जो आर्टिकल्स हैं वो आप ज़्यादा लिख सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स के हवाले से अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपने स्पोर्ट्स के हवाले से बनाना है। इसके अलावा डॉक्टर के हवाले से, कंसल्टेंसी के हवाले से है तो आपने उस हवाले से बनाना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली आपको समझाने के लिए ऑनलाइन अर्निंग का टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो वही मैं यहाँ पर YouTube के ऊपर भी सर्च करूँगा। जो भी आपका टॉपिक होगा वो आपने सेम यहाँ पर सर्च करना है। तो ऑनलाइन अर्निंग मेथड सिंपली मैंने यहाँ पर सर्च किया है। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर दोस्तों फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो की जो लेंथ है वो आपने आवर 20 मिनट आपने कर देनी है। फिर दोबारा फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सबटाइटल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये दो फंक्शन मैंने इसलिए किए हैं कि जितनी लॉन्ग वीडियोज़ होंगी वो आएंगी और सबटाइटल आमतौर पर इंग्लिश वाली वीडियोज़ में होते हैं जो यूएसए वाले अपलोड करते हैं या दूसरे, तो बेसिकली वही सबटाइटल हम कॉपी करके उसको आर्टिकल की शक्ल में प्रजेंट करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी वीडियो आपने ओपन कर लेनी है। जैसे यहाँ पर ये 9 आइडियाज़ बता रहा है अर्निंग करने के, तो ये 30 मिनट की वीडियो है, मतलब इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट मिल जाएगा। तो जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे उसको आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, ओपन ट्रांसक्रिप्ट इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो थोड़ी देर में लोड हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर हमारी जो सबटाइटल हैं वो सारे के सारे आ गए हैं। अब यहाँ पर क्लिक करें टूगल टाइम स्टैम्प।
अब आपने क्या करना है कि जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपने क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है, या सिंपली इसको नीचे ले जाएं, ये देखें सिलेक्ट हो चुका है, कंट्रोल सी से आपने कॉपी करना है। और यहाँ पर जो आपने न्यू पोस्ट आपने ओपन की थी इसके ऊपर आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। अब जो टाइटल होगा वो यही वाला आपने यहाँ से लिखना है, इसको कॉपी किया और टाइटल आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। अब इसको जो फालतू वर्ड्स होंगे दोस्तों वो आपको डिलीट करने पड़ेंगे। अभी देखिए ये सिर्फ लाइंस की शक्ल में है। अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपने इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देना है, इसको एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, यानी कि लाइंस को लाइन से मिलाकर, ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको रीड आउट करें और इसको आर्टिकल की शक्ल आपने देनी है, और जो फालतू के वर्ड होंगे इस तरह के वो आपने डिलीट कर देने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने इसका लेबल भी लगाना है। फिर इसके अलावा यहाँ पर इसकी परमालिंक है, वो ऑटोमेटिक वैसे जनरेट होती है, आप अपनी मर्जी की भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी ब्लॉगिंग भी आनी चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पर इसके कीवर्ड भी आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपने इसके अंदर थोड़ी सी ऑनलाइन लर्निंग के वाले से तस्वीरें भी ऐड करनी है, तो वो तस्वीरें आपने फ्री में कहाँ से लेनी है, एक वेबसाइट है pizzabay.com या pexel.com। ये वेबसाइट आपने ओपन करनी है, इसके ऊपर आपने वही सेम जो आपकी वीडियो की टाइप होगी वो कीवर्ड आपने यहाँ पर सर्च करना है। अब यहाँ पर का देखें काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें आएंगी। अब जो तस्वीर आपको अच्छी लगती है वो आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करने के बाद आप उसको वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें डाउनलोड का बटन अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करें और यहाँ पर आप इसको जाकर अपलोड इमेज के ऊपर जाकर ईज़िली तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है, 3-4 महीने का टाइम लगेगा आपको ये ब्लॉग को रनिंग होने में। 4 महीनों के बाद आपने, या 4 से 6 महीने भी लग जाते हैं इसको अच्छी तरह से रैंक होने में। एक बार आपका टाइम तो ज़रूर लगेगा, थोड़ा सा डेली टाइम निकाल के इसको ऐड करें, डेली 1 या 2 आर्टिकल पोस्ट करें। जब आपके आर्टिकल की रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर आपने यहाँ पर अर्निंग में जाके आपने इसको यहाँ पर एडसेंस को लिंक करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप गूगल के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। आई होप कि आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह एक वक्त के बाद आप इसके ऊपर अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।